हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब तो पहला था, आई नो आप काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली मेरी आईज की सर्जरी सी जिदी वजह तो मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रही थी, बट हूँ मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर बेसिस से थोड़ा वीडियोज़ प्रोवाइड करा, जिद तो जी तैयारी एग्जाम से होर भी वधिया तरीके हो पाए। ओके, सो अज ये वाली वीडियो अपलोड कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। कल तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैसेज आ रहे हैं कि पटवारी का जोड़ा एग्जाम है वह पोस्टपोन होएगा या फिर नहीं होएगा। ओके, सो सब तो पहला मैं थोड़ा एक चीज़ दसना चाहनी कि अगर तुम पी ट्रिपल एस पी की ऑफिशियल साइट के उपर देखोगे तो हजे तक भी कोई ऐसा नोटिस अपलोड नहीं किया गया कि पटवारी का जोड़ा एग्जाम है वह पोस्टपोन हो रहा है। ओके, सो दिमाग क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि पटवारी का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है? वह कारण है, सब तो पहला तो यही है, थोनों एक इतने नोटिफिकेशन नज़र आ रही है। ओके, ये जी हैगी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर एंड जस्टिस ने जारी की हुई है, तो ये फ्रैश गाइडलाइनस दी हुई ने कोविड न रिलेटिड, जो कि 30 अप्रैल 2021 तक जिन्होंने कि अपनाया जाऊगा। ओके, सो हूँ अगर तुम ये 10th पॉइंट देखोगे तो ये मैनशन किया हुआ है रिक्रूटमेंट एग्जाम सच एस पटवारी टू बी पोस्टपोन। ये गाइडलाइनस अंदर ही मैनशन है कि जेडे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं पटवारी का स्पैशल मैनशन के तौर पर पोस्टपोन किया जाएगा। ओके, अगर तुम न्यूज़ चैनल भी देखोगे तो उत्थे भी यही नज़र आएगा थोड़ा कि पटवारी का जोड़ा एग्जाम है वह पोस्टपोन किया जाएगा। ओके, सो इस बेसिस से आप बोल सकते हैं कि पटवारी का जोड़ा एग्जाम है वह पोस्टपोन हो सकता है। 90% चांसिस है। ओके, बट 100% उदो ही कन्फर्म होएगा जो पी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वैबसाइट के उपर एज ए नोटिस अपलोड होएगा। ओके, सो देखो अगर आप वैसे देखिए तो जो एग्जाम है वो 2 मई को होना सी। हुण इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मिसटेक कर रहे होने हैं कि वो यही सोचे जाएंगे कि पेपर होएगा कि नहीं होएगा, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। देखो अपन भी पता है करोना के केसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये अज की गल नहीं, पिछले साल तो आप सब चीज़ा देखते दे आ रहे हैं। जोड़ा एग्जाम है, एग्जाम पोस्टपोन जरूर होए ने करोना के टाइम के, बट ऐसा नहीं होया कि एग्जाम्स हो ही ना हो। ओके, सो मैं थोड़ा यही कहना चाहनी हूँ कि जी थोड़ी तैयारी है वह उम्मीद जारी रखो जिमें करते आ रहे हो, बिकॉज अगर तुम अपना मोमेंटम हूँ लूज़ कर दोगे ना तो हमेशा लिए थोड़ा मोमेंटम लूज़ हो जूगा। अगर तुम यही सोच जाओगे कि हजे तो पटवारी का पेपर हैगा ही नहीं, तैयारी करने की की जरूरत है, वो तैयारी फिर कदे नहीं होंगी। तुसी जिस मोमेंटम नाल हुण पढ़ रहे हो पटवारी की तैयारी कर रहे हो, सोच के कि 2 मई में एग्जाम होना है, उस तरीके दे नाल तुसी पटवारी एग्जाम की तैयारी करो, बिकॉज पेपर हो सकता 2 मई की बजाय महीना लेट हो जाए, बट पेपर तो होएगा ही होएगा ना फॉर श्योर। ओके, तो तुसी अगर कॉम्पीटिशन देखो तो एग्जाम दे विच बहुत ज़्यादा कॉम्पीटिशन है। सो मेरी तरफ तो तुहानू यही सुजैशन है कि अपना मोमेंटम बिल्कुल भी लूज ना करो, जिस तरीके नाल तुसी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो करो, बिकॉज जो भी आप चीज़ा पढ़ते हैं ना वो कदे भी व्यर्थ नहीं जाते हैं, कदे ना कदे किते ना किते किसी ना किसी एग्जाम दे विच अपने काम आंदे ही आंदे ने। जेडे भी थोड़े कंसैप्ट क्लीयर नहीं है उन्होंने पॉलिश करो, चैनल के उपर भी आई टी के नोट्स, एग्रीकल्चर के नोट्स के टैसट सीरीज़ अवेलेबल है, वो टैसट सीरीज़ में तुम सॉल्व कर सकते हो, नोट्स में पढ़ सकते हो, जो जो थोड़े वीक एरियाज़ उन्होंने स्ट्रोंग करो बजाय कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि हूँ आने वाले टाइम के होर भी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जॉब्स देखने मिलन गया, तो हो सकता है तैयारी करने के लिए उदो थोड़े को टाइम घट हो, बट जो हूँ थोड़ा टाइम मिल रहा वनू बिल्कुल भी तुसी व्यर्थ ना गवाओ। ओके, उन्होंने अच्छे तरीके नाल यूज़ करो ताकि तुसी जेड़े एग्जाम्स है उन्होंने क्रैक कर पाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, आई होप थोड़ा जेड़ा डाउट है क्लीयर हो गया होगा। सो मिले नैक्सट वीडियो के, थैंक यू सो मच।